हाय गाइस, आई एम सत्यम रस्तोगी। मैं आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाऊंगा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स। ये कोर्स बेसिकली कॉटलिन लैंग्वेज पर बेस्ड है और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। इसका मतलब हम लोग इस कोर्स को 2.5 से 3 महीने के अंदर इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर बात करी जाए, मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये पहला हम लोगों का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ कोर्स के बारे में समझेंगे, ये कोर्स है क्या, बेसिकली किसके बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस कोर्स। दो तीन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो ये कोर्स बेसिकली बिगिनर टू एडवांस लेवल होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अगर कभी भी कोई भी कोडिंग नहीं करी है या बिल्कुल नई फील्ड है कोडिंग आपके लिए, तो इस कोर्स में आप लोगों को बिल्कुल बिगिनर लेवल से शुरू किया जाएगा। बात की जाए अगर इस कोर्स के स्ट्रक्चर की, तो मैं आप लोगों को इस कोर्स का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये कोर्स का स्ट्रक्चर बेसिकली, इस कोर्स को हम लोगों ने 5 यूनिट में डिवाइड कर लिया है। तो 5 यूनिट में हम लोग इस पूरे कोर्स में हमारे प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हर हर यूनिट में कि किस किस यूनिट में हम लोग क्या करेंगे। बात की जाए अगर पहले इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड यूनिट की, इसमें क्योंकि हमारा कोर्स है बेसिकली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो पहली यूनिट में हम लोग पूरा एंड्रॉयड के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज एंड्रॉयड, किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, कि ऐप्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की ऐप होती हैं, किस टाइप की ऐप को डेवलप करने में किस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारी यूज होती है। उसके बाद हमने, जैसा कि आप लोगों को बताया, कि ये हमारा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का जो कोर्स है ये कॉटलिन पे बेस्ड होने वाला है। तो इसके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि बिल्कुल ही अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कोडिंग की, तो आप लोग इस कोर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और सेकंड यूनिट की बात अगर करेंगे तो इसमें हमारा कॉटलिन फंडामेंटल्स होगा। इसमें आप लोगों को बिल्कुल बिगिनर से मैं कॉटलिन पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग कॉटलिन पढ़ेंगे। अब हम लोग बेसिकली जंप करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 4 में। इसमें हम पूरा जितने भी एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, इसमें एंड्रॉयड लेवल 1 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। लेवल 2 में हम लोग थोड़े हायर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जाके, जैसे वॉट इज़ API, API कॉल्स क्या होती हैं, नेटवर्क कॉल्स क्या होती हैं। जब ये सारा कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। इसमें हम लोग मैक्सिमम 5 टू 6 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो ये था हमारा कुछ कोर्स का स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग ये 2.5 टू 3 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये कोर्स स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग जितनी भी, हम आप लोगों को मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, लाइक जितनी भी मैं PPT शेयर करूंगा या कोई भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ, या आगे चल के मैं भी जब कोडिंग ही करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करें, एक इसकी कॉपी अलग बना लें। तो जितना भी मैं स्टडी मटेरियल दूंगा कि आप लोगों को वो पूरा नोट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसा कि हमारे कोर्स का नाम है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग समझे कि वॉट इज एंड्रॉयड। तो मैं अगर आप लोगों से बात करूँ एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड इज नथिंग बट अ ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक विंडोज एंड मैक ओएस। तो एंड्रॉयड की अगर बात करते हैं कि वॉट इज एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड इज नथिंग बट अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको गूगल अब ओन करता है, 2008 में बेसिकली रिलीज किया गया था। मैक्सिमम जितनी भी हम लोग, अगर बात करी जाए गूगल प्ले स्टोर की, तो ओवर 2 बिलियन से भी ज़्यादा इस टाइम एंड्रॉयड एप्स अवेलेबल हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब एंड्रॉयड बन चुका है। तो हम लोग बेसिकली जो एप्स बनाएंगे इस पूरी कोर्स में, तो हम लोग इसमें एंड्रॉयड के लिए एप्स बनाना सीखेंगे। लाइक आप लोगों को पता होगा कि जैसे एंड्रॉयड जो है हर साल अपने एक नए नए वर्जन्स निकालता रहता है, जेली बीन, किट कैट, ओरियो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करी गई हैं। हमने जैसे आप लोगों की बताया कि आप लोग साथ साथ मेरे इस कॉपी में जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, वो आप लोग मेरे साथ साथ इसको नोट करते रहें, और तो ही ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये था, अब हम बात करते हैं, मेरा सेकेंड पार्ट है, तो वो है ऐप। ऐप क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर में, कंप्यूटर में आप लोग चलाते हैं, तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल करते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऐप इज नथिंग बट अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने लिखा है कि ऐप इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंस्टॉल्ड ऑन अ फोन्स। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्स की।
टाइप्स ऑफ ऐप की अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसको समझना आगे की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐप को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहली जो है वो है कैटेगरी मेरी नेटिव ऐप, नेटिव ऐप होती है, और दूसरी टाइप की एक ऐप होती है हाइब्रिड ऐप। दोनों ही टर्म्स जो हैं इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पता होना चाहिए कि हम लोग किस टाइप की ऐप डेवलपमेंट इसमें करने जा रहे हैं, इस कोर्स में हम लोग किस टाइप की ऐप बनाएंगे। तो समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वी वी विल लर्न अबाउट नेटिव ऐप। तो व्हाट इज नेटिव ऐप? नेटिव ऐप बेसिकली इज अ ऐप विच इज डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक जैसे कुछ ऐप्स होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनाई गई, या मैं कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी जो है सिर्फ आईओएस के लिए बनाई गई। तो वो एप्स विच इज डिजाइंड और डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और सिस्टम, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सब मैंने पीपीटी बनाई है, आप लोग ये पूरा मेरे साथ साथ इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज कर करके नोट करिएगा। और इसके जितने भी चीजें मैं नोट्स शेयर यूज कर रहा हूँ वो सब के सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। अब बात करते हैं, अब नेटिव ऐप का फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो नेटिव ऐप आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला जो है वो है हमारा नेटिव एंड्रॉइड ऐप, दूसरा है नेटिव आईओएस ऐप। अगर आप लोगों को नेटिव ऐप का मतलब समझ में आ गया है तो नेटिव एंड्रॉइड और नेटिव आईओएस समझना कोई भी बड़ी चीज नहीं है। नेटिव एंड्रॉइड का मतलब क्या है? मतलब वो ऐप्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई हैं, यानी जो ऐप जितनी भी ऐप्स देखते हैं प्ले स्टोर पे, दे ऑल आर नेटिव एंड्रॉइड ऐप्स, बिकॉज यू कैन नॉट ऑपरेट दैट ऐप ऑन अ आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर बात करिए नेटिव एंड्रॉइड ऐप की, तो नेटिव एंड्रॉइड ऐप को हम लोग किन टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं? तो दीज आर द टू टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेटिव एंड्रॉइड ऐप। तो जावा और कॉटलिन आर द टू लैंग्वेज जिनकी मदद से हम लोग नेटिव एंड्रॉइड ऐप्स बनाते हैं। अब जो दूसरे टाइप की ऐप है जो कि है हमारी नेटिव आईओएस ऐप, नेटिव आईओएस ऐप वो ऐप होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं। अब अगर किसी को नेटिव आईओएस ऐप बनानी है तो उसके लिए बेसिकली आई हैव टू टेक्नोलॉजीज जो कि है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। तो इससे तुम लोगों का कोई लेना देना है नहीं फिर भी, लेकिन आप लोगों को अब नेटिव ऐप्स के बारे में आ गया होगा समझ में कि नेटिव ऐप वो ऐप होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जितनी भी प्ले स्टोर पे ऐप हैं दे ऑल आर नेटिव एंड्रॉयड ऐप, और जितनी भी एप्पल स्टोर पे ऐप होती हैं तो वो सारी की सारी होती हैं नेटिव आईओएस ऐप। अब जो सेकंड टाइप की हमारी ऐप थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, ये सेकंड टाइप की हमारी ऐप थी हाइब्रिड ऐप। तो इसको भी समझते हैं, व्हाट आर हाइब्रिड ऐप? अब जो रिसेंट टाइम में जो हमारी जो ऐप डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा का ज्यादातर सब हाइब्रिड ऐप होता है। तो व्हाट आर हाइब्रिड ऐप? अगर हम लोग हाइब्रिड ऐप की बात करते हैं तो हाइब्रिड ऐप कुछ इस तरह डेवलप करी जाती है, लाइक आप एक बार के कोड में आप ऐसी ऐप डेवलप करेंगे विच विल ऑपरेट ऑन अ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज ऑन द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब अगर बात करते हैं हम हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट की, तो हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजीज जो हमारी यूज होती हैं वो है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। इस कोर्स के एंड होने के बाद जो हमारा जो नया कोर्स आएगा जो कि मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, वो होगा हमारा हाइब्रिड ऐप के ऊपर, जो कि बेसिकली होगा फ्लटर बेस्ड लैंग्वेज पे ही हम लोग इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। अब बात समझते हैं कि हम लोग पहले नेटिव ऐप डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। नेटिव ऐप डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले। अगर आपने नेटिव ऐप डेवलपमेंट पढ़ लिया तो हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आप मैक्स टू मैक्स 1 month में समझ लेंगे। फिर सिर्फ आपको फ्लटर समझना होगा, क्योंकि इस फ्लटर की मदद से हम लोग अब इस कोर्स की, जैसा कि मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने हाईलाइट किया है, इस कोर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेटिव ऐप्स ही बनाएंगे। वॉट आर नेटिव ऐप्स हमने बताई, तो इस कोर्स के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेटिव एंड्रॉयड ऐप ही बनाएंगे। और मैं बता देता हूँ कि किस लैंग्वेज के साथ बनाएंगे। तो हम लोगों की, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि नेटिव एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए आई हैव टू टेक्नोलॉजीज विच इज जावा और कॉटलिन। तो हम लोग जो यूज करेंगे लैंग्वेज वो होगी कॉटलिन। वाई वी आर यूजिंग कॉटलिन? बिकॉज गूगल हैज अनाउंस्ड कॉटलिन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट।
तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है वो रिसेंट टाइम में, आज के दिनों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी जितनी भी एप्स बनती हैं आपकी इंडस्ट्री लेवल में, वो कॉटलिन बेस्ड ही बनती हैं। तो इसलिए इस कोर्स को हम कॉटलिन लैंग्वेज पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट जब आएगी तो उसमें हम लोग कॉटलिन सीखेंगे बिल्कुल बिगिनर से। अगर आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, कभी भी आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, यू आर द न्यू टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट बिल्कुल। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। और जितनी भी चीज़ें मैंने इस यूनिट में स्टडी मटेरियल दूंगा, वो जैसा कि मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जितना भी मैं स्टडी मटेरियल आप लोगों को दे रहा हूँ, मेक श्योर यू शुड नोट डाउन ऑल द स्टडी मटेरियल इन योर कॉपी। और जितनी भी चीज़ें मैं अभी आगे जाके, जैसे मैं कोडिंग जब स्टार्ट करूंगा तो कोड भी आप लोगों को मेरे साथ साथ करना है। लाइक मैं वीडियो में कर रहा हूँ तो आप भी अपने लैपटॉप में उसी टाइम पे एडिटर खोल लेंगे और मेरे साथ साथ ही कोड करेंगे, तभी समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि इसी चैनल पे दो तीन कोर्सेज और चल रहे हैं, जैसे कि एक जावा का कोर्स है जो कि अभय सागर पढ़ा रहे हैं। तो वो अगर आप कोई बिल्कुल नया बच्चा है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उसको जावा सीखना है, तो वो वहां से जाके जावा का कोर्स पढ़ रहा है। पाइथन का कोर्स भी इस पे चल रहा है इसी चैनल पे, जो कि श्रुति पांडे पढ़ा रही है, वो आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं। कोई iOS डेवलपमेंट का कोर्स सीखना चाह रहा है तो वो भी ऋतुराज मिश्रा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग वहां से जाके वो कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको 10th की मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वो भी जाके पढ़ सकता है। अगर आप लोगों को इस चैनल पे कंटेंट वर्दी लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड, फिर हम लोग आगे इसी कोर्स में बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।